किसानों की मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन दो के 270 दिन पूरे होने पर शंभू बॉर्डर पर किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं ने एक अहम बैठक की। बैठक में पंजाब और देश भर में धान खरीद, लिफ्टिंग और डीएपी की समस्या पर चर्चा हुई। किसान मजदूर मोर्चा की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें उन्होंने धान खरीद को लेकर पंजाब सरकार की वादा खिलाफी और रवैये पर सवाल उठाए हैं। मोर्चा ने कहा कि अगर 10 नवंबर तक इस मुद्दे का समाधान पंजाब सरकार नहीं करती है तो 11 नवंबर को बड़ा फैसला लिया जाएगा। पिछले दिनों फगवाड़ा में पंजाब सरकार के कृषि मंत्री और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के साथ हुई बैठक का विवरण देते हुए किसान नेताओं ने पंजाब सरकार को घेरा और सवाल पूछे हैं। नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर पंजाब सरकार खरीद पूरी नहीं करती है और लिफ्टिंग नहीं करती है तो सरकार को बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। किसान नेताओं ने कहा कि अगर पराली और डीएपी के मामलों को नहीं सुलझाया गया तो उन्हें सरकार के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री के बार बार आश्वासन के बावजूद किसान कई दिनों तक मंडी से परेशान हो रहे हैं और आज भी कई मंडियों से धान की खरीद में कटौती की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं किसान नेताओं ने भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज़।